अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो गया नाइट का टाइम और हम लोग पार्क से लौटकर आ गए थे, लेकिन घर आते आते दिन जो है ना डूब सा ही गया था और बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लगी थी। तो फिर मैंने इनसे बोला था कि कोयले लेकर आ जाओ, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा, सुबह थी तो शाम को भी जो है ना सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई। तो फिर ये कोयले लेकर आए, तो हमने इनको जला लिया है, तो दो तसले जला लिए हैं, जिससे एक तसला हम यहाँ पर रख लेंगे रूम में और एक तसला जो है ना पापा जी के रूम में रख देंगे। तो बस यहाँ कोयले जल गए, बहुत मुश्किल से जले क्योंकि गीले थे, तो इसलिए बहुत टाइम ले लिया जलने में। तो यहाँ एक तसला जो है ना जीशान पापा जी के रूम में ले जा रहा है और मैं डर रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि तसला जो है ना गर्म हो गया है लोहे का है ना, इसलिए तो मैं जीशान से बोलती जा रही थी कि आराम से ले जाना। तो बस ये जीशान ले गया है नीचे। और अब एक और चीज़ कोयले के साथ ये लेकर आए, वो है गाजर का हलवा। तो बच्चों के लिए ये शाम को कुछ ना कुछ लेकर आते हैं और ये पूछ भी लेते हैं, और अगर बच्चे नहीं बताते हैं तो फिर वो अपने मन से ही लेकर आ जाते हैं। तो बच्चों ने नहीं बताए थे, ये पूछ रहे थे, तो लेकिन फिर भी ये इनको पता है कि गाजर का हलवा पसंद है, और फिर सर्दी में तो जो है ना सबको गाजर का हलवा पसंद रहता है। तो फिर ये कोयले लेने गए थे तो उधर से ही ये गाजर का हलवा लेकर आ गए। तो फिर यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ, तो अब हम लोग आग के पास बैठ कर गर्मा गर्म गाजर का हलवा खाएंगे और बातें करेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल बच्चे ऊपर ही हैं, आर्यन अक्षरा और गुलफ्सा सब ऊपर ही हैं, मतलब गुलफ्सा को मैंने बुला लिया है हलवा लेने के लिए, तो बस वो ले जाएगी और ये चारों जन जो है ना हलवा खा लेंगे। तो मैं बस इनको दे देती हूँ, और बहुत ही टेस्टी लगता है यहाँ का हलवा जो गाजर का रहता है ना, प्रेम स्वीट्स का, यहीं से हमारा मीठा जो भी आता है ना वो यहीं से आता है, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर सर्दियों में अगर गाजर का हलवा नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। तो बस मैंने यहाँ ट्रे निकाली, मुझे इस पर हंसी आई थी क्योंकि मैंने छोटी ट्रे निकाली तो कटोरियाँ चार थी, तो मैंने आड़ी तिरछी करके रख दी थी, तो गुलफ्सा को भी हंसी आ रही थी, तो मैंने गुलफ्सा को ही बुला लिया था। और यहाँ गुलफ्सा जो है ना इनाया से बोल रही है कि हम गाजर का हलवा ले जा रहे हैं, तुम भी चल रही हो क्या, लेकिन इनाया ने मना कर दिया, तो बस वो उसी को पटाने की कोशिश करी, लेकिन इनाया तो जो है ना बस नहीं जाएंगी, वो यहीं पर खड़ी हुई है। और मैंने बच्चों के लिए बनाई है खिचड़ी आलिया और इनाया के लिए, क्योंकि ये ऐसा करती हैं कि खाना वगैरह नहीं खाती हैं, अगर कोई आ जाता है तो ये खेल कूद में लगी रहती हैं। और मैं इसको हलवा खिलाने की कोशिश भी कर रही थी लेकिन नहीं खाया। और यहाँ पर मैंने मूंग और चावल की जो है ना खिचड़ी बनाई थी, तो बस मैं यहाँ पर इनाया को खिला रही हूँ खिचड़ी आलिया को, और जीशान खा रहा है हलवा। तो जीशान ने जो है ना ऊपर नहीं खाया, वो नीचे ही आ गया, और ये सब लोग जो है ना ऊपर खा लिए इन लोगों ने। तो हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं, तो बस ऐसा होता है कि अगर बहन भाई सभी लोग साथ में बैठे हों तो अपनी पुरानी बातें याद आ जाती हैं। तो बस मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपनी नानी की बातें, क्योंकि उनका खाना जो है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता था, तो जब भी अगर कुछ खाना वगैरह बनता है ना तो बस नानी के खाने की याद आ जाती है कि वो ऐसा खाना बनाती थी, वैसा खाना बनाती थी। और हमारी नानी वास्तव में जो है ना खाना बहुत अच्छा बनाती थी, मतलब यहाँ पे बात कर रहे थे कि नानी हमारी खाना तो बनाती ही थी, लेकिन उसके साथ कढ़ाई बुनाई सब भी चीज़ बहुत, मतलब ऑल राउंडर थी मेरी नानी। तो बस यहाँ पे जो है ना ऐसे ही बैठे बैठे बालों की भी बातें चलने लगी, तो इसके बाल जो है ना बहुत बड़े हो रहे हैं, और मैं उससे बोली थी तूने बाल छोटे क्यों नहीं कराए, और ये जो है ना बड़े बाल ही रखते हैं। पापा भी मुझसे कई बार बोलते हैं कि ये बाल नहीं कटाता, क्योंकि पापा को बड़े बाल बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बस मैं यहाँ पर ऐसी मजाक इससे करने लगी, और मैं बोलने लगी ला मैं तेरे बाल काटती, तू बाल नहीं कटवा के आया ना, ला मैं बाल काट देती तेरी कटिंग। तो ये बोला बाजी नहीं करना नहीं करना, और मैं ना इससे मजाक कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे इसके लिए ये बाल जो है नकली बाल रखे हुए थे उसमें से काट कर लेकर आ गई हूँ, और मैं बोल रही हूँ कि जीशान देख तेरे बाल काट दिए मैंने, ठीक है गलती से कट गए ये बड़े बाल, लेकिन ये जो है ना उसमें लगा हुआ है कि पबजी खेल रहा है। तो पहले तो ये डर गया था कि बाजी ने मेरे इतने सारे बाल काट दिए, क्योंकि लड़कों को जो है ना बड़े बाल अपने बड़े प्यारे होते हैं, और अगर उनकी जरा भी टेढ़े मेढ़े कट जाए ना तो बस समझ लीजिए। तो मैं कह रही हूँ तो देख तो ले तेरे बाल कट गए हैं, आगे से कितने बेकार लग रहे हैं, तुझे टकला होना पड़ेगा। लेकिन वो बोल रहा है मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन ये रहता है ना लड़कों को है ना पबजी अगर खेल रहे हैं तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको अपने बालों का भी लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे वो थोड़ा सा पहचान गया था कि ये नकली बाल है, क्योंकि नकली बाल और उसके बालों में थोड़ा सा अंतर है ना, इसलिए वो मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़े काट लिए थे। तो यहाँ गुलफ्सा दिखा रही है कि जीशान के बाल कट गए हैं, और सभी बच्चे आ गए, सब लोग बच्चे के सोच रहे हैं मैंने सच में बाल काट दिए। यहाँ देख लीजिए सब लोग देख रहे हैं कहाँ से काट दिए कहाँ से काट दिए। तो इन आलिया भी पूछ रही है कहाँ से बाल काट दिए, और ये देख लीजिए इनाया, इनाया गुस्सा हो रही है कि मामू के बाल क्यों काटे, वो चिल्ला रही थी। अगर मैं ओरिजिनल आवाज़ रखती ना तो इसमें इसकी रोने की चिल्लाने की आवाज़ आती कि नहीं काटो ना, तो खुद अपने बालों को कटिंग कराती है ना कंघी कराती है, और ना दूसरों के बाल काटने देती है। तो बस अभी रात को मस्ती हमारी ऐसी चलती रहती, काफ़ी लेट नाइट हम लोग बातें करते रहे थे,
ऊपर जाके फिर हमने मूवी वगैरह भी देखी थी और उसके बाद सोए थे। तो बस यहाँ मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मैंने बनाया नाश्ते में ये ब्रेड पकौड़ा, पकौड़ी बनाई है, पोहा बनाया है और सेवई बनाई है। तो ब्रेड पकौड़े जो है ना उस दिन पसंद आए थे, तो फिर बच्चे बोल रहे थे आलिया कि मुझे ब्रेड पकौड़ा ही खाना उसको पसंद आया था, तो फिर मैंने कहा चलो बना दे। तो मैंने थोड़ी सी ही बनाई, ब्रेड थोड़ी सी ही रखी हुई थी इसलिए, और थोड़ी सी मैंने पकौड़ी बना दी थी और सेवई मुझे बहुत पसंद है तो मैंने काफ़ी टाइम से नहीं बनाई थी तो इसलिए बनाई थी, और थोड़ी सी पूरी, मतलब इस तरीके से हमने नाश्ता बना लिया था। और काफ़ी लोगों के, मतलब कुछ लोगों के कमेंट आते, काफ़ी लोग नहीं बोलूँगी, कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि आप सुबह सुबह कितना ऑयली फूड खाते हो, सेहत का ख्याल रखिए। तो देखिए वैसे तो आपने देखा होगा हम, अगर कोई नहीं होता है तो हम लोग सिंपल सा नाश्ता करते हैं, ज़्यादा कभी होगी तो पोहा बनाएंगे, वरना नहीं तो वैसे हमारे फ्रूट दूध वगैरह यही चलता है, लेकिन अगर कोई आ जाता है तो फिर इसलिए हमारा ये नाश्ता वगैरह होने लगता है। तो हम भी जो है ना थोड़ा सोच के ही चलते हैं, लेकिन अगर कोई आ जाता है ना तो थोड़ा आ जाता है खाने में और अलग अलग चीज़ें बनाने का मन भी करता है, ऐसा आप लोगों के साथ भी होता हुआ। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ खाना, दोपहर का टाइम हो गया है क्योंकि कामों में लगी हुई थी, तो फिर बीच का कुछ भी सूट नहीं किया क्योंकि आंटी तो आ नहीं रही है, तो सारा झाड़ू पोछा जल्दी से फटाफट से नाश्ता किया, उसके बाद झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम किया, फिर उसके बाद मैं खाना बना रही हूँ। तो बस खाने में ये मछली मैंने बचा कर जो रखी थी ना थोड़ी सी, वही मैं मछली बना रही हूँ, मछली का सालन, और ये मटन भी मैंने बचा कर रख लिया था तो इसका मैं पुलाव बनाऊंगी क्योंकि बच्चों को पुलाव पसंद है। तो यहाँ पर मैंने नींबू और बुला कर रख दिया हल्दी, और यहाँ मैं अखनी रख रही हूँ। अखनी रखने के बाद फिर मैं ऊपर चली जाऊँगी, ऊपर रूम की सफाई करने चली जाऊँगी क्योंकि इनाया आज थोड़ा सा परेशान कर रही है, तो गुलाबसा जो है ना उसको ही रखे हुए, वरना वो कर लेती है ऊपर वाले रूम की सफाई, लेकिन अभी मैंने उससे बोल दिया तो बस इसको लेकर छत पर चली जा धूप में और मैं कर लूँगी काम। तो बस यहाँ मैं पूरी रेसिपी नहीं दूँगी आपको, मैं ये करने के बाद फिर बहुत सारा मेरा काम था तो वो करने लगी थी, मैंने आगे कुछ भी सूट नहीं किया है, और थोड़ा सा मेरे कुछ बातों की वजह से मेरा मूड भी ऑफ हो गया था, मतलब फैमिली में चलती रहती हैं कुछ बातें, तो इस वजह से भी मैं जो है ना बस नहीं सूट करने का मन किया। तो बस खाना वगैरह बहुत देर का बन गया था, तो फिर ये लोग नहाने में लग गए थे, तो फिर अब नहा धोकर फिर फ्री हुए हैं तो अब ये खाना खा रहे हैं। तो पुलाव का भी मैंने फाइनल लुक नहीं दिखा पाया था, तो बस खाना वगैरह हो गया था, और मतलब मैं बीच का कुछ भी सूट नहीं कर पाती हूँ, फिर थोड़ा बहुत ये खाने पीने का ही होता है वही मैं सूट कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि बहन भाइयों में हम लोग बातें करते रहते हैं, काम में लगे रहते हैं, तो इस चक्कर में बीच का कुछ भी सूट नहीं करती हूँ। तो बस अभी हो गया है शाम का टाइम, और ये पूछ रहे थे जब भी ये मार्केट जाते तो ये पूछ कर जाते कि क्या लेकर आए, क्या खाओगे। तो अभी यहाँ पे खिल रही है पेटीज और सभी लोग पेटीज एंजॉय कर रहे हैं, तो अक्सरा खा चुकी हैं सबसे पहले हाँ सबसे पहले, ये देखो इनका थोड़ा सा बचा है, सबने साथ ही में स्टार्ट की थी, ये देख लो अभी आर्यन की तो आधी है, जीशान की भी अभी है आधी है, और अभी तो गुलाबसा की भी है, मतलब चारों में सबसे ज्यादा फास्ट है सिर्फ अक्सरा। तो सबको पेटीज कैसी लगी? एक नंबर, तारीफ नहीं कर सकते, एक नंबर, तारीफ पे तारीफ, चार नंबर, एक नंबर। और इनाया इन्नू ए उसका नंबर, उसका मतलब हो गया एक नंबर, एक जवान है वाले पास। सो गाइस यहाँ देखिए मैं एक पेटी खा चुकी हूँ, मगर मुझे पेटी इतनी अच्छी लगी ये वाली कि मैंने एक और पेटी लिए खाने के लिए, दूसरी पेटी गई मेरी, अगर मुझको ये दूसरी पूरी खिलेगी तो मैं पूरी खा लूंगी, नहीं तो जीसान बेटा है तैयार आधी पेटी खाने के लिए, जीसान आधी पेटी खाएगा। अच्छी तो लगी लगी और भूखी भंडारी हो रही है, खा लूंगी। तो बस यहाँ पे ये मीठा भी लेकर आए हैं क्योंकि इन्होंने पूछ लिया था कि मीठे में क्या खाओगे, तो कोई कुछ बोलता है फिर कोई कुछ बोलता है, तो इन्होंने पूछा कि सबसे बेस्ट क्या लगता है, तो फिर सबके मुंह में से निकला रस मलाई, तो क्योंकि गाजर का हलवा तो खा चुके थे तो अब नंबर आ गया था रस मलाई का, तो फिर आज ये रस मलाई लेकर आए हैं, तो फिर बस यहाँ पर मैं सबके लिए रस मलाई निकाल रही हूँ, और क्या तारीफ करूं मैं रसमलाई की। अच्छा ये बताओ रसमलाई किस किस को पसंद है, अच्छा स्वीट्स किस को पसंद है, मतलब मेरी तरह मीठा खाने वाले कौन कौन है कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं मीठा खाती हूं और मैं मीठा खाने से अपने आप को नहीं रोक पाती हूं। और बस यहां पे हम लोग अब रसमलाई एंजॉय करेंगे, तो बस यहां पे मैं रसमलाई निकाल रही हूं, और
फिर मुझे जो है ना बाकी के रात के काम भी करने हैं, जैसे कि क्योंकि अब आंटी तो आती नहीं है तो इसलिए अब हम साथ के साथ सारा काम करते जाते हैं, जैसे कि बर्तन वगैरह है समेटना, फौरन सफाई वगैरह मतलब छोटी छोटी करती जाना, तो इसलिए मैं सारा कुछ करके ही जाऊँगी ऊपर। तो अभी बस यहाँ पर रसमलाई मैंने निकाल ली है और अभी हम लोग खाएंगे सभी लोग रसमलाई, उसके बाद में बर्तन वगैरह माँजूँगी तब हम बैठेंगे। वरना पहले कितने आज़ाद रहते थे कि आंटी नहीं मतलब आंटी आती थी तो फिर जो है ना आराम से खाना पीना रख करके और बर्तन रख के मतलब चले जाते थे। तो बस यहाँ देख लीजिए सभी बच्चे आ गए हैं और मैंने अक्षरा को दे दी है जिसानी कटोरी और आर्यन एक कटोरी लेके चला गया गुलाबसा को दे देगा और यहाँ नया स्ट्रो से पानी पी रही हैं तो वो पानी का खेल करती हैं। और बस यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं तो फिर से हमने आग जला ली है क्योंकि अब एक दो दिन जला ली तो फिर ऐसा ही होने लगा कि अगर ये मतलब एक दिन जब रख कर बैठ गए हैं तो ऐसा लगता है कि अब जला कर बैठ जाओ आराम से और यहीं पर खाओ। और बल्कि ठंडी हवा आ रही है फिर भी गेट खुला हुआ है और मैं यहाँ बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है रसमलाई। और बस अभी हम बहन भाई मिलकर रसमलाई खा रहे हैं, पापा जी को नीचे भेज दी है। और ये नहीं है कि पापा जी का अगर मैं नाम लूँ तभी मैं भेजती हूँ, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है हर बार मैं नाम लूँ। जो भी चीज़ आती है पापा जी को हम ज़रूर देने जाते हैं क्योंकि कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि सिर्फ अपने बहन भाइयों को खिला रही हैं और पापा जी को नहीं दे रही हैं, तो ज़रूरी नहीं मैं हर बार बोलूं कि पापा को देने जा रहे हैं या दिखाऊं, क्योंकि ये वो ज़रूरी नहीं है। तो दे और बस यहाँ पे जो है ना गुलाबसा बोल रही थी कि मुँह में अंदर जाते ही ना ठंडी ठंडी हो रही है, तो बस रसमलाई बहुत अच्छी लगी तो हम लोग इन्जॉय करते हैं रसमलाई, फिर उसके बाद काम करके फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी हो गया है नाइट का टाइम, 10 बज गए हैं और बस अभी हम सब जो यहीं पर बैठे हुए थे और मैं अपना काम कर रही थी, लास्ट के जो भी बर्तन वगैरह थे वो माँज के रख दिए हैं और कल करूँगी मैं चिकन फ्राई, तो चिकन भी मैंने मैरिनेट करके रख दिया है। तो आप लोग सोचोगे बर्तन साफ करके, तो जी हाँ अब हमारा रूटीन जो है ना चेंज हो गया है। मतलब पहले तो ये रहता था कि आंटियाँ आती थी तो उनके लिए बर्तन वगैरह रख देते थे और झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह वही करती थी सारा। तो अब क्या हुआ कि पहले उन्होंने एक दिन की छुट्टी मांगी फिर दूसरे दिन बुलाने गए तो उन्होंने मना कर दिया कि कल आऊँगी मैं, और लेकिन आज वो आई नहीं, वेट किया उनका तो फिर वो आई नहीं, फिर मैंने ना फ़ोन किया ना ही इनको भेजा मैंने। और बस आज मैंने मतलब जो जिस डिसीजन लेने के लिए मैंने इतना लंबा टाइम लगा लिया नहीं, क्योंकि आपको पता है कितने दिन से जो है ना वो छुट्टी बनाती जा रही हैं आए दिन वो छुट्टी बनाती जा रही हैं, तो फिर मैंने आज मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया क्योंकि देखो काम करते हैं तो आदत रहती है और हम अपने टाइम के हिसाब से काम करते जाते हैं, लेकिन जब हम इस तरीके से आंटी वगैरह लगा लेते हैं तो फिर हम उनके भरोसे बैठे रहते हैं कि वो आएंगी और काम कर लेंगी। लेकिन अब जब आंटी इतनी छुट्टी कर दी जा रही है अपनी तरफ से उनको काम छोड़ नहीं है तो फिर ठीक है उनकी मर्जी है। तो आज मैंने कहा मैं कर रही हूँ काम और मैं अब स्टार्ट कर देती मतलब अपने हिसाब से फिर मैं अब काम करूँगी। तो इतने सारे बर्तन हो गए थे, मुझे काफ़ी टाइम लग गया, फिर खाना फिर सारा काम भी है और फिर बच्चों को भी संभालना पड़ता है। देखो इनाया है, इनाया बहुत परेशान करती है, तो फिर मैंने बोला ये काम तो मैं निपटा लूँगी तो बस इनाया को रख ली। तो फिर उसने इतनी देर तक मैंने मतलब काम किया, इतनी देर उसने जो है ना इनाया को रखा और खिलाया भी, मतलब खाना वाना भी खिलाया उसको, तो इस तरीके से उसने उसको रखा, तो ये भी एक हेल्प ही है काम कराने के बराबर है। तो फिर बस अभी मैंने सारे बर्तन मतलब दोपहर के खाने के उसी टाइम पर माँज के रख दिए थे और अभी रात के खाने के बर्तन अभी शाम मतलब अभी माँज के साफ करके रख दिया, कुछ भी बर्तन वगैरह नहीं है। तो बस इसी तरीके से मैं अपना काम कर लिया करूँगी और आंटी अगर आती हैं तो मैं उनसे मना कर दूँगी, बस रहने दो ठीक है, अब हुआ आप रहने दीजिए क्योंकि अब इतनी छुट्टियाँ नहीं हो पाता है क्योंकि फिर एकदम से काम पड़ता तो बहुत ज़्यादा परेशानी से आ जाती है इसलिए। और फिर देखो हमारे तो गेस्ट लोग हैं, आना जाना रहेगा, आप तुम कभी भी छुट्टी कर जाओ तो अच्छा नहीं लगता है ना, उनके चक्कर में काम भी इतनी लेट तक डला रहता है। तो बस यहाँ पर हम लोग डेली जो है ना इस तरीके से कोयले जला लेते हैं, इस टाइम पे कुत्ते बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं मैं बात करती जा रही हूँ और बस ये आवाज़ आती जा रही है। इस तरीके से हम दो तसले जला लेते हैं, तो एक हम नीचे भेज देते हैं पापा के पास, वहाँ वो ताप लेते हैं, उनका रूम भी गर्म हो जाता है, और एक हम यहाँ पर रख लेते हैं तो हम लोग बैठे रहते हैं यहाँ पर। तो बस अभी ऊपर देख लीजिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आलिया का घर बन रहा है, अक्षरा जो है ना घर बना रही है, ये अल्फाबेट वाले जो थे ना
थर्मा मतलब इस जो बच्चों के होते हैं इस तो उसी से जो है ना वो गोल गोल सा उसका किला बना रही है। तो किला ऐसा ही होता है ना गोल गोल सा, वही बना रही हैं। और इनायत के बीच में तो इनायत को ऐसे अच्छा लगता है घर भर में रहना, लेकिन वो तोड़ भी देती है। तो बस अभी बच्चे जो है ना खेल रहे हैं और अभी काफ़ी नाइट हो गया है और हम लोगों का ऐसा ही रूटीन हो गया जब से बच्चे आए हैं, सभी बहन भाई आए हैं, जब से हमारा ये रूटीन हो गया काफ़ी लेट नाइट, मतलब बच्चे खेलते रहते हैं सोते ही नहीं है। वैसे तो अभी इनाया का रूटीन सुधर गया है, वो जल्दी सो जाती है क्योंकि पहले मैं बताती थी ना कि बच्चे देर में सोती है, इनाया देर में सोती है। तो कुछ लोगों ने ये चीज़ पकड़ ली थी कि आप अपने बच्चों की कैसे परवरिश कर रही हो, बच्चों को जल्दी नहीं सुला सकती हो ये वो। तो जिनके बच्चे छोटे होंगे और उनके बच्चे लेट सोते होंगे वो समझते होंगे इस बात को, लेकिन अब जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका रूटीन भी सही हो जाता है। तो अब मसल्ला हमारे इनायास थोड़ी समझदार हो गई है, बड़ी हो गई तो वो भी टाइम से सो जाती है। जैसे ही मैं लाइट बंद करती हूँ वैसे ही वो थोड़ी देर खेलेगी और फिर सो जाती है। तो अब पहले जैसा परेशान नहीं करती है, लेकिन जब से अभी बच्चे आए हैं तो तब से थोड़ा सा अब लेट फिर से जगने लगे, लेकिन फिर ये चले जाएंगे तो फिर से हमारा रूटीन सही हो जाएगा पहले जैसा। तो ऐसा ही होता है, किसी के यहाँ कोई आ जाता है तो रूटीन हो जाता है चेंज, खाने पीने का, सोने का, उठने का, तो थोड़ा सा हो जाता है। तो यहाँ देख लीजिए अक्सरा ने जो है ना बना दिया है पूरा महल, लेकिन आलिया इनाया जो है ना उसको तोड़ने पर लगी हुई है। तो चलिए इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ और आप लोगों से फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और अभी ये लोग मशक्क़त कर रहे हैं उसकी छत बनाने में, तो देख लीजिए क्या क्या होता है आगे। जब तक कि मैं करती हूँ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।